नहीं देखिए, अभी लगातार हम लोगों ने हर दिन इसमें कर्फ्यू में ढील भी दी थी, और एक पीरियड था जिसमें लोग किराना, सब्जियां, दूध, ग्रोसरी का सामान, सभी चीजें ये ले पा रहे थे। इसमें दवाइयां की दुकानें भी खुली हुई थी। अब पर्याप्त स्टॉकिंग है उसमें, और अभी चूंकि जैसे पेशेंट बढ़े हैं, 20 पॉजिटिव अभी तक हो चुके हैं इंदौर में, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए अभी अगले 3 महीनों तक हम लोग कर्फ्यू में कोई ढील नहीं देंगे, और इस दौरान कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। बहुत अत्यावश्यक स्थिति में अगर किसी को दवाई की आवश्यकता है तो दवाई दुकानें, वो भी चुनिंदा दवाई दुकानें खुली रहेंगी, हर इलाके में कुछ कुछ खुली रहेंगी, और उसमें भी पैदल आके आदमी को लेना पड़ेगा। किसी प्रकार का वाहन अलाउड नहीं होगा, घर से बाहर वो पैदल आके अपने नियरेस्ट दवाई दुकान से बहुत आवश्यक होने पर वो ले सकेंगे। कोई भी जी वाहन लेके अगर निकलेगा तो वाहन जो स्वामी है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, और उस वाहन को भी जब्त करने जैसी वो कार्रवाई की जाएगी। संक्रमण से प्रभावित है उसमें मेजर रूप से रानीपुरा है, नगर है, खजाना है, दौलतगंज है, हाथीपाल है, इन सबको अलग कर दिया गया है, और इनको उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सभी को टोटली ब्लॉक किया हुआ है हमने। और वहां पे राउंड द क्लॉक हमारी पुलिस फोर्स भी लगी हुई है, हमारे वॉलेंटियर्स भी लगे हुए हैं। वहां पे जो जिस जगहों पे पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं उसके जो नियरेस्ट घर के 10-10, 15-15 घर हैं, उनसे लोगों को हम लोग क्वारंटीन फैसिलिटी में ले जा रहे हैं, ताकि वो हमने कुछ गार्डन, कुछ बड़ी फैसिलिटीज हैं, एक ओबीसी हॉस्टल बहुत बड़ा है हमारा, इन सभी जगहों पे उनको क्वारंटीन करके वहां पे उनकी सभी रहेंगी। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि उनके अंदर इन्फेक्शन ना फैले और उनमें पर्याप्त डिस्टेंसिंग आइसोलेशन मेंटेन किया जा सके। देखिए, इंदौर की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि अभी सभी के पास मुख्य सामान जो है वो उपलब्ध है, किराने का सामान है, सब्जियां भी लोगों ने काफी बीच में स्टोर करी है, लगातार सब्जियों को हमने ओपन रखा था सब्जी दुकानों को उसमें, तो इसके लिए पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि लॉकडाउन में इफेक्टिवली आप अपने घरों के अंदर रहें, किसी भी प्रकार से अपनी गलियों में ना घूमें या एक दूसरे से पास पास ना आए, उसमें कार्रवाई भी बहुत स्ट्रिक्ट हो सकती है। और इसके अलावा आपकी खुद की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि आप अपने घरों में रहें, ताकि इस प्रकार के संक्रमण से आप खुद भी बच पाएं और अपनी फैमिली को भी बचा पाएं। तो इसलिए आवश्यकता है कि आप घर में इफेक्टिवली लॉकडाउन कंडीशन में रहें।